देखिए, सुबह का वक्त जिसको हम लोग मिस करते हैं, ये देखिए क्या नजारा है। ये मेरी बिल्डिंग की जो है टेरेस है, मैं कभी कदार आता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तो रात में मैं टहलने आता हूँ। बहुत लंबी है ये, 3 बिल्डिंग कनेक्टेड हैं आपस में। तो आप साउंड सुनिए, कोयल का साउंड कितना अच्छा है। सी पुणे तो वैसे ही वेदर के मामले में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सही है, बट लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन इतना घट चुका है, एवरीथिंग इज क्लियर। आप देखिए ये पीछे जो है पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहले दिखते नहीं थे बट अभी कितने क्लियर हैं। ये बहुत ही दूर है, बहुत दूर है ये। तो ये मैं अपनी छत से ले रहा हूं। इसकी वजह से इतना इतना खूबसूरत, इतना क्लीन हो चुका है। मैं अभी पुणे में हूँ, पुणे की बात करूंगा मैं, कि पूरा पीछे मेरे देखिए कितना बिल्कुल क्लीन। अब दूर दूर तक बिल्डिंग देख सकते हैं, पहले ऐसा कुछ दिखता नहीं था। तो ये पोल्यूशन फ्री हो चुका है पूरा। 21 दिन का जो लॉकडाउन था उसकी वजह से लोग, ये बात तो सही है कि लोग कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग घर में हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोगों ने अपने आप को बंद कर रखा है। लेकिन इससे एक चीज़ तो सही हुई है, हमारा पोल्यूशन का जो रेट है ना, बहुत ही कम हो गया। पीछे मेरे कोयल की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हो कोयल की आवाज़। ये बहुत ही रेयर केसेस में सुनने को मिलती थी, बट अभी सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम है, इस समय इतना मतलब कूल, इतना क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, कुछ कहने के नहीं। तो आज मैं भी छत पे बैठा हूँ, मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी है, उसके बाद ये वीडियो शूट करने के बाद भी करूँगा एक्सरसाइज जो है। लॉकडाउन में ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सी चीज़ जो प्लान की हैं, जो मुझे आगे भी करनी है, मैंने सोचा हुआ कि मुझे करनी है और मैंने वो नोट डाउन भी किया है। तो पहली चीज़ तो आप लोगों से मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि लॉकडाउन में घर पे अपने आप को जो है सुरक्षित रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। छत, अगर आपके घर पे छत है तो छत में कम से कम मॉर्निंग की धूप ज़रूर लें, और छत नहीं है तो खिड़की में विंडो में बैठ जाएं, वहाँ से मॉर्निंग की धूप लें, क्योंकि थोड़ा सा अगर मॉर्निंग की धूप लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, हमें डिप्रेशन से बचाएगा और निगेटिव चीज़ें बहुत ही कम माइंड में लेके आए, निगेटिव चीज़ें बहुत कम देखें। बहुत से लोग ऐसा जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ध्यान मत दें। घर में हो तो अभी आपको कुछ नहीं हो सकता है, हल्की सी खांसी अगर होती है तो गर्म पानी से गार्गल कर लें, और बहुत ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लें फ़ोन के ऊपर। इधर उधर जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि बाहर हमारे पुलिसकर्मी और बहुत सारे लोग जो हैं इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पर रहें, अगर कुछ आपको बीमारी हो रही है या कुछ खांसी वगैरह आ रही है तो आप डॉक्टर से सलाह लें फ़ोन पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमारे जो PM साहब ने जो हमें वो दिया है, उसका हमें पालन करना चाहिए, और जो चीज़ वो कह रहे हैं, कोई चीज़ सोच समझ के कह रहे हैं, उसे हमें माननी चाहिए, ये मैं मानता हूँ।